मुरादाबाद के दिल्ली पब्लिक स्कूल में अभिभावकों ने थाना मंझोले में पहुंचकर स्कूल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और कार्यवाही की मांग की है। दरअसल दिल्ली पब्लिक स्कूल में बच्चों के लिए वाहन सुविधा पहले से ही बंद है और साथ ही अब जब अभिभावकों को यह सूचना मिली कि दिल्ली पब्लिक स्कूल की फ्रेंचाइजी भी अब खत्म हो चुकी है, ऐसे में अभिभावकों का गुस्सा चौथे आसमान पर पहुंच गया और सभी अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्यवाही की मांग भी की है। इस पूरे मामले में थाना मंझोला पुलिस ने दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्राचार्य को थाने ले आई और जहां पूरे मामले की जानकारी भी ली गई। बताया जा रहा है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल की फ्रेंचाइजी 31 मार्च 2022 को खत्म कर दी गई है और जिसके बाद स्कूल में नए प्रवेश भी नहीं लिए जा रहे। ऐसे में जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके अभिभावकों ने DPS के नाम से कोर्स और सारी चीज़ों को खरीदना शुरू कर दिया है। अब उन्हें पता लगा है कि DPS की फ्रेंचाइजी खत्म हो चुकी है। ऐसे में सभी अभिभावकों ने थाना मंझोले में पहुंचकर कार्यवाही की मांग की है। नाम जाना चाहिए विशाल त्यागी नाम। विशाल जी, ये क्या मामला है पूरे स्कूल का बताइए। एक्चुअली स्कूल वालों ने हमारे बच्चों के एडमिशन ले रखे हैं DPS में, ये मंझोला में, लेकिन इनकी मान्यता है नहीं। प्रिंसिपल साहब से हम कह रहे हैं कि बच्चों की अगर आपके स्कूल की मान्यता है तो हमें रिटर्न में दीजिए कि आपके स्कूल की मान्यता है, जबकि इन्होंने हमने बुक खरीदवाई DPS के नाम पर, यूनिफॉर्म खरीदवाई DPS के नाम पर। अभी एक लेटर भी मिला है अंदर जो कंप्लेंट दी है कि मैनेजमेंट संबंधित किसी व्यक्ति ने कि स्कूल की मान्यता खत्म हो चुकी है 31 मार्च, और ये DPS का नाम यूज़ नहीं कर सकते। पर हमसे फीस की बात जो कर रहे हैं वो DPS के नाम पर कर रहे हैं, यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं वो DPS की, बुक्स जो दिलाई हैं वो DPS की, जबकि स्कूल के पास कोई मान्यता नहीं। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि प्रिंसिपल साहब की 420 पर रिपोर्ट होनी चाहिए और मैनेजमेंट की, क्योंकि इन लोग हमारे धोखाधड़ी कर रहे हैं अगर इनके और हमारे बच्चों के, अब हम बीच में अधर में अटके हुए हैं, बच्चे को एडमिशन कहाँ कराएं? इन्हें शुरू में हमें क्लियर कर देना चाहिए कि DPS की मान्यता खत्म हो चुकी है। हम मूव कर सकते थे, ना मूव कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं हमारे। कल को ये अपने स्कूल का नाम बदल दें, हम बच्चे पढ़ा रहे हैं DPS में, कल को नाम बदलें दूसरा, कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके? इनके खिलाफ 420 में केस होना चाहिए। इसी संबंधित हम थाने मंझोले में आए थे कंप्लेंट के लिए, हालांकि SO साहब से बात नहीं हो पाई है, शाम के लिए उन्होंने टाइम दिया, देखते हैं क्या होता है। आपने सारी फीस सब जमा कर दी है? सारी अभी पिछले साल तक की हमारी सारी फीस जमा है, कोरोना काल तक की हमारी सारी फीस पेड है। अब ये फीस लिए कोर्स वगैरह सब ले चुके हैं बच्चों के, कोर्स यूनिफॉर्म वगैरह सब, और सब इन्होंने DPS किए हैं हमें जो लेने के लिए कहा है। ऐसे कितने लोग हैं लगभग? अभी मैनेजमेंट से दोबारा यहाँ आए हुए लोग बातचीत करेंगे, जो मसला आएगा मैनेजमेंट से फिर उसका आंसर बताया जाएगा। आपका क्या प्रयास रहेगा, क्योंकि आप एक विद्यार्थी? मेरा तो हमेशा सकारात्मक प्रयास रहता है कि स्कूल के बच्चे हैं हमारे अपने बच्चे हैं, टीचर्स हैं हमारे अपने टीचर हैं, इनके लिए करना जो है मेरे लिए तो अच्छी बात है। हमारा तो सकारात्मक प्रयास रहता है, कुछ दूरी देरी हुई ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करने में, ये मसला हो सकता है कि नियर फ्यूचर में सॉल्व हो जाए, पर इसके साथ ही दो चार और मुद्दे जुड़ गए हैं जिनको सॉल्व करना जो है वो मैनेजमेंट के पार्ट में, क्योंकि वो कुछ बातें ऐसी हैं जिसकी जानकारी हम लोगों को स्कूल ऑफिस में नहीं है। तो मैनेजमेंट से हम प्रयास रहते हैं कि उन चीज़ों की जानकारी स्कूल को दे, ताकि फिर वो पेरेंट को अकॉर्डिंगली बताया जाए।